नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, हमारे देश के महान प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर एक फिल्म बनने जा रही है, तो आज के वीडियो में मैं इसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, अटल जी ना केवल भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, बल्कि वे एक सरल हृदय कवि भी रहे हैं, और उनकी कविताएं भी उतनी ही पसंद की जाती है जितना एक राजनेता के तौर पर उनको पसंद किया जाता है। मतलब वो ना केवल विपक्षी नेता के तौर पर काफी लोकप्रिय रहे हैं, बल्कि जब वे प्रधानमंत्री बने तब भी वे काफी लोकप्रिय रहे हैं, और उनका सम्मान ना केवल सत्ता पक्ष के सदस्य करते थे, बल्कि विपक्ष के नेता भी उनका काफी सम्मान करते थे। और उनकी जो दूरदर्शी सोच हुआ करती थी, देश के प्रति सोच हुआ करती थी, जैसा कि वे कहा करते थे, मैं रहूं ना रहूं देश हमेशा रहे। तो उनके जो विचार थे देश के प्रति, उनकी जो देशभक्ति थी, जो देश के प्रति उनका सम्मान था, वो हमेशा याद किया जाएगा। और उनकी जो भाषण देने की कला थी, ओजस्वी वक्ता थे, शायद ही उनके जितना प्रभावशाली भाषण या जो उनका बोलने की जो अदा होती थी, जो स्टाइल होती थी, वो लोगों को, दर्शकों को, व्यूवर्स को मंत्र मुग्ध कर देती थी, और लोग बिल्कुल मौन रह करके बहुत ही शांति से उनका भाषण इस प्रकार से सुना करते थे मानो कि वे क्रिकेट की कॉमेंट्री सुन रहे हो। तो ऐसे थे हमारे अटल जी। तो उनके जीवन पर एक बायोपिक फिल्म की घोषणा की गई है। भारत रत्न से सम्मानित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर एक बायोपिक बना रहे हैं संदीप सिंह तथा विनोद भानुशाली तथा संदीप सिंह मिलकर के इस फिल्म को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो फिल्म है, इसकी शूटिंग जनवरी 2023 से शुरू कर दी जाएगी, और इसमें अटल जी के जीवन के सभी पहलुओं को दिखाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में उनके बचपन को भी बताया जाएगा, बचपन में किस प्रकार से उनका संघर्ष रहा है, किस प्रकार से उन्होंने अपना बचपन बिताया, तथा उनके कॉलेज के दिनों के बारे में बताया जाएगा, किस प्रकार से बाद में वे राजनीति में आए, किस प्रकार से वो विपक्षी नेता बने, और फिर किस प्रकार से वे देश के प्रधानमंत्री बने, कैसे उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, इन सभी बातों को मतलब इस फिल्म में दिखाया जाने वाला है। और ये जो फिल्म बनाई जा रही है, ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि अटल जी के ऊपर एक किताब लिखी गई है, द अनटोल्ड वाजपेयी, ऐसे नाम से एक किताब लिखी गई है, उस किताब के ऊपर ये फिल्म बनाई जा रही है, और इसकी 2023 में शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। और जहां तक इसकी स्टार कास्ट तथा फिल्म को कौन डायरेक्ट करेगा, इसके बारे में अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन प्रोड्यूसर विनोद भानुशाली तथा संदीप सिंह ने कहा है कि वे शीघ्र ही इस बारे में अनाउंसमेंट कर देंगे कि श्री वाजपेयी जी का रोल, अटल जी का रोल इस फिल्म में कौन निभाने जा रहा है, और फिल्म को डायरेक्ट कौन करने वाला है, और फिल्म की जो अदर सपोर्टिंग कास्ट होगी वो कौन होने वाले है। दोस्तों, जबरदस्त फिल्म बनेगी है, क्योंकि अटल जी का जब आप जीवन दिखा रहे हो तो बहुत से राजनेता इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाले है। अब उन राजनेता की जो कास्टिंग की जाएगी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी के साथ ही कई विपक्षी नेताओं की भी कास्टिंग दिखानी पड़ेगी। और जिस प्रकार से अटल जी का जो व्यक्तित्व है, और जिस प्रकार से वे एक बेमिसाल इंसान और लाजवाब कवि माने जाते हैं, तो उनका जो रोल प्ले करना किसी भी कलाकार के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। तो बड़ी मजेदार ये फिल्म बनने वाली है दोस्तों। तो इसका फिल्म का नाम रखा गया है अटल। जैसे इस फिल्म के बारे में और रिपोर्ट आती है, मैं आपको अपने चैनल पर जानकारी दूंगा। आप इस फिल्म का कितना इंतजार कर रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।